ओके सो लेट्स स्टार्ट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ कैपेसिटी. ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल देर इज़ अ एडिशन. ओके फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ द कैपेसिटी. मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि कैपेसिटी क्या होती है. कैपेसिटी मतलब कि फॉर एग्जांपल कोई एक ग्लास है. ओके उसके अंदर आप पानी को भरते जा रहे हो और एक टाइम ऐसा आएगा जब वो ग्लास फुल हो जाएगा. तो जो वो ग्लास जहाँ पे फुल हुआ है वो उसकी कैपेसिटी है. उसके बाद उसके अंदर पानी नहीं जाएगा. समझ में आ रहा है? जितनी भी उसकी कैपेसिटी थी वहाँ तक पानी आ चुका है. ओके सो जितनी भी उसकी कैपेसिटी होती है वो ml एंड लीटर, ml मतलब मिलीलीटर एंड लीटर के अंदर हम मेज़र करते हैं. ml जो है वो हमारा स्मॉल यूनिट यूज़ के लिए होता है और l मीन्स लीटर जो है वो ग्रेटर यूनिट को मेज़र करने के लिए यूज़ होता है. बट हमें यहाँ पे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस देखने हैं. ओके सो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन जो हम नॉर्मली एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस करते हैं वैसे ही होते हैं. बट यहाँ पे फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि लीटर को हमें लीटर के नीचे लिखना होता है और ml मतलब कि मिलीलीटर को मिलीलीटर के नीचे लिखना होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हो जो लीटर है तो उसके नीचे हमने लीटर्स को लिखा हुआ है और ये ml है तो उसको हमने ml के नीचे लिखा हुआ है. बस उसको अब ऐड कर दो सिंपल जिस तरह से नॉर्मली हम एडिशन करते हैं. ओके सो एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे दिया हुआ है 14 लीटर एंड 235 ml दोनों साथ में दिया हुआ है. देन आफ्टर 17 लीटर एंड 175 ml मतलब कि मिली लीटर. तो यहाँ पे हमें इन दोनों को ऐड करना है. तो 14 एंड 17 दोनों लीटर है. 14 एंड 17 ये दोनों लीटर है तो वो दोनों साथ में आएंगे ऊपर नीचे लीटर वाले बॉक्स के अंदर और ये दोनों ml वाले बॉक्स के अंदर आएंगे. ओके सो देन आफ्टर हमारे पास नंबर्स को अरेंज, हमने नंबर्स को अरेंज तो कर लिया है. उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, ओके हमारा सेकंड स्टेप है ऐड द नंबर्स. ओके सो यहाँ पे नंबर्स को हमें ऐड करना है. ओके सो 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 10 सो देयर इज 0 एंड 1 कैरी. 1 प्लस 3 4 एंड 4 प्लस 7 इज इक्वल टू 11 सो देयर इज 1 एंड 1 अगेन कैरी. 1 प्लस 2 3 एंड 3 प्लस 1 4 सो यहाँ पे 4. ओके देन आफ्टर 4 प्लस 7 इज इक्वल टू 11 सो देयर इज 1 एंड 1 कैरी. 1 प्लस 1 2 2 प्लस 1 3 सो आंसर इज 31. तो यहाँ पे 31 लीटर एंड 410 ml मतलब कि मिली लीटर. हमारा आंसर है 31 लीटर एंड 410 ml. ओके सो इसी तरह से हमें एडिशंस करने हैं. एक और एडिशन का एग्जांपल हम देख लेते हैं. ओके सो यहाँ पे 12 लीटर एंड 150 ml और यहाँ पे 19 लीटर एंड 920 ml. ओके सो अगेन नंबर्स को हम यहाँ पे अरेंज करेंगे लीटर्स को लीटर्स के नीचे. जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो 12 एंड 19 दोनों लीटर्स में है तो हमने दोनों को लीटर्स में अरेंज कर दिया. देन आफ्टर ml तो ml को हमने ml के नीचे अरेंज कर दिया. ओके नाउ वी हैव टू ऐड ओनली. जो नॉर्मली हम एडिशन करते हैं वैसे ही एडिशंस होते हैं. ओके सो यहाँ पे भी आप देख सकते हो तो 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, 5 प्लस 2 7, 1 प्लस 9 10 सो 0 एंड 1 कैरी, 1 प्लस 2 3 एंड 9 इज इक्वल टू 12 सो 2 एंड 1 देयर इज अ कैरी, 1 प्लस 1 2 एंड 2 प्लस 1 3 सो 32 लीटर एंड 70 ml. ओके सो इसी तरह से हमें नंबर्स को ऐड करना है. चलो एक सब्ट्रैक्शन का एग्जांपल भी हम देख लेते हैं. ओके सो सब्ट्रैक्शन के लिए यहाँ पे 15 लीटर एंड 625 ml है और यहाँ पे 21 लीटर एंड 970 ml. ओके सो हमें 21 लीटर 970 ml में से
15 लीटर एंड 625 ml को सेपरेट करना है। सो यहाँ पे हमने नंबर्स को अरेंज कर लिया है, ml को ml के नीचे, लीटर को लीटर के नीचे। बस जिस तरह से हम नॉर्मली सेपरेक्शंस करते हैं वैसे ही हमें यहाँ पे सेपरेक्शंस करने हैं। ओके, सो लेट्स सी किस तरह से हमने सेपरेक्शन किया हुआ है। सो यहाँ पे 0-5, आपको पता होगा कि 0 में से हम 5 को माइनस नहीं कर सकते। ओके, सो हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर को बोरो करना पड़ेगा। सो हमारा नेबर कौन है, यहाँ पे 7 है। सो 7 बन जाएगा 6 एंड 0 बन जाएगा 1। आप यहाँ पे देख सकते हो 7 बिकम 6 एंड 0 बिकम 1। ओके, नाउ 10-5, अब 10 में से 5 को आप माइनस कर सकते हो। सो 10-5 इज इक्वल टू 5। देन आफ्टर 6-2, सो 6-2 इज इक्वल टू 4। देन आफ्टर 9-6 इज इक्वल टू 3। ओके, देन आफ्टर अगेन देर इज अ 1 एंड 5, बट 1 में से हम 5 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, सो हमें लेना पड़ेगा बोरो। सो यहाँ पे 2 है तो 2 बन जाएगा 1। ओके, ये 2 जो है वो हो गया 1 एंड यहाँ पे जो 1 था वो हो गया 11। नाउ 11-5 इज इक्वल टू 6 एंड 1-1 इज इक्वल टू 0। ओके, सो इस तरह से हमें आंसर मिला 06345, 6 लीटर 345 ml, got it? So इसी तरह से एक और हमारे पास एग्जाम्पल है जो देख लेते हैं हम। 18 लीटर एंड 790 ml फ्रॉम 30 लीटर एंड 180 ml। ओके, सो यहाँ पे हमने फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर को अरेंज कर दिया है। ओके, लीटर को लीटर के नीचे, ml को ml के नीचे। देन आफ्टर यहाँ पे हम सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं। सो 0-0, 0, देन आफ्टर 8-9, ऑब्वियसली देर इज़ ए नो सब्ट्रैक्शन, सो हमें नंबर को बोरो करना पड़ेगा। सो हमारा बोरो नंबर कहाँ से होगा, यहाँ पे 1 है तो 1 से 1 हो जाएगा 0 और यहाँ पे 8 जो है वो हो जाएगा 18। आप देख सकते हो जो 1 है वो 10 हो गया, सॉरी 0 हो गया, 10 तो बाद में होगा, पहले यहाँ पे 1 है वो हो गया 0 और ये हो गया 18। 18-9 इज इक्वल टू 9। देन आफ्टर 0-7, तो 0-7 नहीं हो सकता, तो हमें नेक्स्ट नंबर से नंबर को बोरो करना पड़ेगा। सो 0 है वो तो हमें कुछ भी नहीं दे पाएगा, तो हमें लेना पड़ेगा 3 से। सो 3 बन गया 2। ओके, और 0 बन गया 9। ओके, सो 9, अब हमारे पास यहाँ पे 1 है। ओके, ओके, सो 18-9 इज इक्वल टू 9। देन आफ्टर देर इज अ 0, सो 0-7, 0-7 हम नहीं कर सकते। ओके, सो हमें लेना पड़ेगा बोरो। सो हम लेंगे अपने नेबर से, बट यहाँ पे तो 0 है, सो हमें जाना पड़ेगा 3 के पास। सो 3 बिकम 2 एंड यहाँ पे 1, तो पहले हो गया 10, तो ये 0 था वो हो गया 10। ओके, देन आफ्टर हमें 10 को एक और नंबर अपने दूसरे नेबर को देना पड़ेगा। सो 10 जो है वो बन गया 9, आप यहाँ पे 9 देख सकते हो, और ये जो 0 था वो बन गया 10। ओके, नाउ 10-7 इज इक्वल टू 3, देन आफ्टर 9-8 इज इक्वल टू 1 एंड 2-1 इज इक्वल टू 1। सो हमें यहाँ पे 11 लीटर एंड 390 ml आंसर मिल गया है। गॉट इट? ओके, और यहाँ पे एक एवरीडे मैथ्स है जो आपको होमवर्क में करना है। ओके, यहाँ पे आपको लिस्ट द डेली एक्टिविटीज दैट यूज वाटर, एंड सेकंड है आपका एस्टिमेट द हाउ मच वाटर इज यूज्ड इन योर डेली हाउस होल्ड ऑन ईच एक्टिविटी। ओके, तो ये आपको होमवर्क में प्रैक्टिस करनी है। ओके, देन आफ्टर लेट्स सी द एक्सरसाइज नंबर 7.9। तो यहाँ पे हमें ml एंड लीटर, लीटर एंड ml के अंदर नंबर्स दिए हुए हैं, तो हमें सिर्फ यहाँ पे एडिशन करना है जो हम नॉर्मली करते हैं।
नंबर्स को यहाँ पे अरेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आगे के जो नेक्स्ट सम आएंगे उसमें हमें करना पड़ेगा, आप इसमें देख सकते हो एडिशन हमें करने हैं तो नंबर्स को अरेंज करना पड़ेगा। ओके सो लेट्स ऐड द नंबर्स। ओके सो 9 + 6 इज इक्वल टू 15, देर इज़ अ 5 एंड 1 कैरी, 8 + 1 9 एंड 9 + 4 इज इक्वल टू 13, सो देर इज़ अ 3 एंड 1 अगेन कैरी, सो 9 + 1 10 एंड 10 + 6 इज इक्वल टू 16, सो देर इज़ अ 6 एंड 1 अगेन कैरी, 5 + 1 6 एंड 6 + 1 7, सो देर इज़ अ 7, देन आफ्टर 1 + 1 2। ओके सो यहाँ पे हमें आंसर मिल चुका है 27 लीटर 635 ml, गॉट इट। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर बी। ओके सो 1 + 4 इज इक्वल टू 5, देन आफ्टर 1 + 2 इज इक्वल टू 3, देन आफ्टर 1 + 6 इज इक्वल टू 7, 1 + 3 4 एंड 3 2 + 1 3, सो आंसर इज 34 लीटर एंड 735 ml। ओके सो इस तरह से हमारा आंसर है। देन आफ्टर सी जो है वो आपको होमवर्क में करना है, देन आफ्टर सब्ट्रैक्शंस। ओके सो लेट्स स्टार्ट द सब्ट्रैक्शन, सेम हमें जो नॉर्मली सब्ट्रैक्शंस करते हैं वैसे ही करने हैं। ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 - 8, सो आपको पता होगा 2 में से 8 को हम माइनस नहीं कर सकते, हमें नंबर्स को बोरो करना पड़ेगा। सो यहाँ पे हमने नंबर को बोरो कर लिया, सो यहाँ पे पहले तो 2 हो गया और ये हो गया 12। ओके नाउ 12 - 8, सो 12 - 8 इज इक्वल टू 4, देन आफ्टर 2 - 9, तो आपको पता होगा 2 में से 9 को हम माइनस नहीं कर सकते, तो हमें अगेन नंबर को बोरो करना पड़ेगा। सो हमारा नेबर कौन है, 4, सो 4 हो जाएगा 3 और जो 2 था वो हो गया 12। नाउ 12 - 9, सो 12 - 9 इज इक्वल टू 3, देन आफ्टर 3 - 1, सो 3 - 1 इज इक्वल टू 2, देन आफ्टर 8 - 6 इज इक्वल टू 2, सो यहाँ पे आंसर है 2 लीटर 234 ml। ओके सो ये हमारा आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर बी। ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल देर इज अ 0 - 6, सो 0 - 6 इज इक्वल टू, यहाँ पे कुछ नहीं होगा ना बिकॉज 0 में से 6 तो कभी सब्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता, तो हमें नंबर्स को बोरो करना पड़ेगा नेबर से। बट यहाँ पे जो हमारा सेकंड नेबर है वो 0 है, थर्ड नेबर भी हमारा 0 है, तो हमें जाना पड़ेगा नेक्स्ट नेबर के पास। तो ये जो नेक्स्ट नेबर है वो यहाँ पे 2 है, तो 2 हमें दे सकता है, सो 2 जो है वो हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 10, बट हमें यहाँ पे चाहिए तो हमें इसको 9 करना पड़ेगा, और ये जो 9 है वो हो गया 10, हो गया वो 9, और ये जो 0 था वो हो गया 10, तो ये भी हो गया 9 और इसको दे दिया 1। ओके अब हमें यहाँ पे 10 मिल चुका है। आई अगेन रिपीट, ये जो 2 था वो हो गया 1 और यहाँ पे 0 था वो हो गया 10। ओके यहाँ पे 10 हो गया और यहाँ पे तो 0 था, तो हमें यहाँ को 10 को कट करके 9 कर दिया, और ये जो 0 था वो हो गया 1, अब इसको भी कट करके 9 कर दिया और इसको हमने 1 दे दिया, तो जो 0 था वो हो गया 10। नाउ 10 - 6 इज इक्वल टू 4, देन आफ्टर 9 - 4, सो 9 - 4 इज इक्वल टू 5, देन आफ्टर 9 - 8 इज इक्वल टू 1, देन आफ्टर 1 - 1 इज इक्वल टू 0 एंड 1 - 0 इज इक्वल टू 1, सो आंसर इज 10 लीटर 154 ml। ओके तो ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर सी जो है वो आपको
होमवर्क के अंदर करना है. ओके ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 3, राइट इन कॉलम्स एंड ऐड. तो हमें यहाँ पे नंबर्स को ऐड करना है, बट उससे पहले हमें नंबर्स को अरेंज करना है, जैसे कि ऊपर ऑलरेडी अरेंज करके दिए हुए थे, बट यहाँ पे हमें नंबर्स को अरेंज करके दिया हुआ नहीं है, तो नंबर्स को हमें यहाँ पे अरेंज करना है. ओके सो क्वेश्चन नंबर 3A, 7 लीटर 750 ml एंड 450 ml. तो हमें लीटर्स के नीचे लीटर्स को लिखना है, ml's के नीचे ml's को लिखना है. बट यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ओनली लीटर्स दिया हुआ है, बट यहाँ पे लीटर्स नहीं है, तो उसके नीचे क्या आएगा? उसके नीचे कुछ नहीं आएगा, उसके नीचे 0 0. ओके सो लेट्स ऐड द नंबर्स. ओके सो क्वेश्चन नंबर 3A. ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल 7 लीटर 750 ml एंड 450 ml. ओके अब हमें नंबर्स को अरेंज करना है, तो एक तरफ लीटर और एक तरफ मिलीलीटर, हमने यहाँ पे दो पार्टीशंस कर दिए हैं. ओके नाउ लीटर्स, तो यहाँ पे 7 लीटर और यहाँ पे 0, मतलब कि कुछ भी नहीं है, तो हम 0 लिख देंगे. देन आफ्टर ml के अंदर 750 ml और 450 ml. ओके और यहाँ पे हमारी साइन एडिशन. ओके सो अब हमें क्या करना है, जिस तरह से हम नॉर्मली एडिशंस करते हैं वैसे ही नंबर्स को ऐड करना है. ओके सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ जीरोस, सो 0 + 0 इज इक्वल टू 0. देन आफ्टर 5 + 5, सो 5 + 5 इज इक्वल टू 10. सो देयर इज अ 0 and 1 कैरी आउट. देन आफ्टर 7 + 1 8 एंड 8 + 4 इज इक्वल टू 12. सो देयर इज अ 2 and 1 कैरी. यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ से यहाँ पे भी कैरी जाती है, इसको अलग मत समझना, ये सम पूरा एक ही है, ये दोनों अलग अलग सम नहीं है, सम एक ही है. ओके देन आफ्टर 1 + 7 इज इक्वल टू 8. ओके सो हमें यहाँ पे आंसर मिल चुका है 8 लीटर एंड 200 ml. तो ये हमारा आंसर है. गॉट इट? क्वेश्चन नंबर ए, उसका आंसर ये है 8 लीटर एंड 200 ml. ओके सो सेम एज क्वेश्चन नंबर सी. क्वेश्चन नंबर बी एंड डी आपको होमवर्क में करना है. ओके सो सेम एज क्वेश्चन नंबर सी, तो उसके अंदर यहाँ पे 7 लीटर है, देन आफ्टर 350 ml है, देन आफ्टर उसके बाद 14 लीटर एंड 972 ml. तो यहाँ पे दोनों तरफ ml एंड लीटर्स दिए हुए हैं. ओके ऊपर के सम में नहीं था, बट यहाँ पे दिया हुआ है. ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये लीटर वाला सेक्शन और ये मिलीलीटर वाला सेक्शन. ओके नाउ वी हैव टू राइट फर्स्ट ऑफ ऑल 7 लीटर एंड 14 लीटर. ओके देन आफ्टर 350 ml एंड 972 ml. ओके और यहाँ पे हमारी एडिशन की साइन. ओके नाउ लेट्स ऐड द नंबर्स. 0 + 2 इज इक्वल टू 2. 5 + 7 इज इक्वल टू 12. देयर इज अ 2 and 1 कैरी आउट. 3 + 1 4 एंड 4 + 9 इज इक्वल टू 13. सो देयर इज 3 and 1 कैरी. 7 + 1 8 एंड 8 + 4 इज इक्वल टू 12. सो देयर इज अ 2 and 1 कैरी. 1 + 1 2.
सो हमारा यहाँ पे आंसर है 22 लीटर एंड 322 मिली लीटर। तो ये हमारा आंसर है, गॉट इट? ओके, देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 4। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमें करना है सब्ट्रैक्शंस। ओके, ऊपर हमने एडिशंस किए थे, यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्शंस करने हैं। नंबर्स हमें यहाँ पे दिए हुए हैं, बस नंबर्स को अरेंज करना है और हमें सब्ट्रैक्शंस करने हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सब्ट्रैक्शंस। क्वेश्चन नंबर ए, 28 लीटर 360 ml फ्रॉम 40 लीटर एंड 800 मिली लीटर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सब्ट्रैक्शन। ओके, सो क्वेश्चन नंबर ए, 28 लीटर 360 ml फ्रॉम 40 लीटर एंड 800 ml। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, नंबर्स को अरेंज करना है, लीटर्स को लीटर्स के नीचे एंड ml को ml के नीचे। ओके ओके, सो देयर इज अ लीटर एंड मिलीलीटर, देयर इज अ टू सेक्शंस। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, 40 ml एंड 800 ml में से 28 लीटर एंड 360 ml को सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले क्या आएगा, 40, देन आफ्टर इस तरफ आएगा 800, देन आफ्टर 28 एंड 360, और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन की साइन। ओके, नाउ वी हैव टू सब्ट्रैक्ट द नंबर्स, 0 माइनस 0, सो यहाँ पे 0, देन आफ्टर 0 माइनस 6, सो 0 माइनस 6 हम नहीं कर सकते, तो हमें करना पड़ेगा बोरो, सो 8 जो है वो हो जाएगा 7, एंड जो वो 0 है वो हो जाएगा 10, सो 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4, देन आफ्टर 7 माइनस 3, सो 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4, देन आफ्टर 0 माइनस 8, सो 0 में से 8 को हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, सो अगेन वी गेट द बोरो, 4 बिकम 3 एंड 0 बिकम 10, नाउ 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 2 एंड 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1, सो यहाँ पे आंसर हमें मिल चुका है 12 लीटर एंड 440 ml, सो ये हमारा आंसर है। ओके, सो सेम एज अ क्वेश्चन नंबर सी, बी एंड डी यू हैव टू डू इन योर होमवर्क। ओके ओके, सो यहाँ पे 35 लीटर 546 ml फ्रॉम 68 लीटर एंड 500 ml, गॉट इट? ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू पार्टीशन ऑफ द लीटर एंड ml, सो देयर इज अ लीटर और ये मिलीलीटर, गॉट इट? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ 68 लीटर एंड 500 ml, सो 68 एंड 500, देन आफ्टर 35 एंड 546, और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन की साइन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सब्ट्रैक्शन। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल 0 माइनस 6, सो 0 में से हम 6 को माइनस नहीं कर सकते। ओके, सो हम क्या करेंगे, नेबर से बोरो करेंगे, बट जो नेबर है उसके पास तो 0 है, वो कुछ भी नहीं दे पाएगा, तो हमें अगेन नेक्स्ट नेबर के पास से नंबर को बोरो करना पड़ेगा। सो वहाँ पे 5 है तो 5 हमें दे सकता है, सो 5 बिकम 4 एंड 0 बिकम 10, सो नाउ 10 गिव इट टू 1 एंड 10 बिकम 9, नाउ 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4, 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4, देन आफ्टर 9 माइनस 4 इज इक्वल टू
5, so there is a 5. Then after 4 minus 5, so 4 में से हम 5 को minus नहीं कर सकते. So again we have to get the borrow from neighbor. So 8 become 7 and 4 become 14. Okay. So now 14 minus 5 is equal to 9. So there is a 9. Then after 7 minus 5. So 7 minus 5 is equal to 2. Then after 6 minus 3 is equal to 3. So हमें यहाँ पे आंसर मिल चुका है 32 लीटर and 954 ml. Got it? तो ये हमारा आंसर है. Okay? After that मुझे यहाँ पे एक सम है जो मुझे आपको सॉल्व करवाना है. मैंने आपको होमवर्क में दिया था एक्सरसाइज नंबर 7.3 क्वेश्चन नंबर 4F. ओके, सो देर इज़ अ 38 किलोमीटर्स 600 मीटर फ्रॉम 100 किलोमीटर एंड 46 मीटर. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें यहाँ पे टू पार्टीशंस करने पड़ेंगे, किलोमीटर एंड मीटर. ओके, देन आफ्टर हमें यहाँ पे किलोमीटर्स को किलोमीटर्स के नीचे एंड मीटर्स को मीटर्स के नीचे. ओके, तो हमें यहाँ पे 100 किलोमीटर्स एंड 46 मीटर में से 38 किलोमीटर्स एंड 600 मीटर को सेपरेट करना है. ओके, सो 100 किलोमीटर्स और यहाँ पे 46 मीटर. ओके, ये हो गया हमारा 100 किलोमीटर एंड 46 मीटर. देन आफ्टर 38 किलोमीटर्स एंड 600 मीटर्स. तो यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो प्लस वैल्यूज़ हैं उसी के नीचे वो प्लस वैल्यूज़ आनी चाहिए. फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे 6 है तो वो वंस प्लस पे है, 4 है वो टेंस प्लस पे है. ओके, तो यहाँ पे हमें इसी तरह से नंबर्स को लेना है. तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो, तो यहाँ पे ये फर्स्ट ज़ीरो है, फर्स्ट ज़ीरो वो वंस पे है, सेकंड ज़ीरो जो है वो टेंस पे है, और ये जो थर्ड ज़ीरो है वो 100 पे है. ओके, तो यहाँ पे भी हमें इस वंस के नीचे वंस नंबर को और टेंस के नीचे टेंस नंबर को रखना पड़ेगा. ओके, तो यहाँ पे जो फर्स्ट ज़ीरो है वो इस ज़ीरो के नीचे आना चाहिए, देन आफ्टर सेकेंड ज़ीरो है वो इसके नीचे आना चाहिए, एंड सिक्स हमारा इस तरफ. ओके, और उसके ऊपर यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब वहाँ पे ज़ीरो है. ओके, यहाँ पे आप ज़ीरो लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर तो सेम ही आने वाला है. ओके, बट यहाँ पे हम ज़ीरो रख देते हैं. देन आफ्टर 38, तो यहाँ पे 38 पे जो 8 है वो वंस प्लस पे है, 3 जो है वो टेंस प्लस पे है. ओके, तो यहाँ पे भी जो ज़ीरो फर्स्ट है वो वंस प्लस पे है, ये टेंस प्लस पे है और ये 100 प्लस पे है. ओके, सो यहाँ पे उसी तरह से हम नंबर्स को रखेंगे. समझ में आया? ओके, नाउ वी हैव टू सबट्रैक. ओके, आपको ये अरेंज करना आ गया किस तरह से अरेंज करना है. ओके, वंस प्लस के नीचे वंस प्लस, टेंस के नीचे टेंस, हंड्रेड्स के नीचे हंड्रेड्स. ओके, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है आपको. ओके, ये सब मैं इस तरफ लिख रहा हूँ, यहाँ पे बहुत सारा मतलब हो चुका है. ओके, सो मैंने इस तरफ ये सम को लिख दिया है. ओके, अरेंजमेंट किस तरह से करना है वो आपको पता चल गया है. नाउ वी हैव टू सबट्रैक्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल 6 माइनस ज़ीरो इज इक्वल टू 6, तो यहाँ पे 6. 4 माइनस 0, तो यहाँ पे 4. देन आफ्टर 0 माइनस 6, तो 0 में से माइनस 6 हम नहीं कर सकते, बिकॉज ऑफ यहाँ पे 0 है तो उनमें से हम 6 को कभी भी माइनस नहीं कर सकते. तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर को बोरो करना पड़ेगा अपने नेबर से. तो यहाँ पे नेबर के पास भी कुछ नहीं है, दूसरे नेबर के पास भी कुछ नहीं है,
हाँ, थर्ड नेबर के पास वन है, तो इसके पास से हम नंबर को बोरो कर सकते हैं। तो ये जो वन है वो बन गया 0, और अपने नेबर को वन इसने दे दिया। अब ये हो गया 10, अब ये 10 बन जाएगा 9, और अपने दूसरे नेबर को वन देगा। ओके, अब ये नेबर फिर से अपने दूसरे नेबर को वन देगा, तो ये हो जाएगा 9 और ये हो गया 10। ओके, नाउ 10 माइनस 6, सो 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4। देन आफ्टर 9 माइनस 8, सो 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 1। देन आफ्टर अगेन 9 माइनस 3, सो 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6। और यहाँ पे तो 0 है, तो यहाँ पे तो 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो हमें यहाँ पे आंसर मिला है 61 किलोमीटर्स एंड 446 मीटर। तो ये हमारा आंसर है। ये सब मैं आपको इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आप कोई कन्फ्यूज़न आपके दिमाग में ना रहे। ओके, अगर किसी को भी इस सब में डाउट है या प्रॉब्लम आ रही है तो आप ये देख सकते हो। ओके, हमें यहाँ पे प्लेस वैल्यूज किस तरह से पुट करनी है वो ध्यान रखना है। ओके,